सर्वप्रथम मेरे सभी आदरणीय और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा सुप्रभात। मैं ज्योति यादव, आज मुझे बोलने के लिए प्लेटफॉर्म मिला, ये मंच मिला, अवसर मिला, इस वजह से मैं सर्वप्रथम स्कूल्स डीएनए को धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज अभी मैं शुरू करती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या है, हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है? फ्रेंड्स, एवरीथिंग दैट वी थॉट मेक्स अवर फ्यूचर। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारा भविष्य बनाती है। दोस्तों, आज लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो हार मानकर बैठ जाते हैं, कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है एक और बार कोशिश करना। फ्रेंड्स, आज चुनौतियों को देखते ही मनुष्य, स्टूडेंट्स सब घबरा जाते हैं। चुनौतियां तो चाय में आई मलाई की तरह होती हैं, जो प्राय आ ही जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों को स्वीकार कर, इन चुनौतियों का सामना कर जीवन में आगे बढ़ जाता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब हो पाता है। आज मैं आपको ऐसे ही व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहूंगी जिन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक सोच और मेहनत से वो कर दिखाया जो आज हम सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, वो और कोई नहीं, वो है महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन। आज उनको कौन नहीं जानता है, उन्होंने 1093 आविष्कार कर इस संसार में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। सकारात्मक सोच उनके जीवन में केवल सकारात्मक सोच ही थी। दोस्तों, वो कोई अन्य ग्रह के प्राणी नहीं थे या कोई 500 वर्ष नहीं जिए थे, उतना ही जिए थे एक एवरेज लाइफ। पर उस एवरेज लाइफ में उन्होंने अद्वितीय कार्य किया, 1093 पेटेंट्स, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आज हम अपने केवल आदर्श बना लेते हैं, लेकिन उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उतारते नहीं है। दोस्तों, जब थॉमस एल्वा एडिसन केवल 10 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने घर में एक प्रयोगशाला बना ली थी। 10 वर्ष जो एक बच्चे की खेलने की आयु होती है। एक बार जब वो स्कूल से आए तो उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर देके कहा कि आपके लिए टीचर ने दिया है। तो उनकी माँ वो लेटर पढ़ के रोने लग गई, उनकी आंखों से आंसू आ गए। जब थॉमस ने उसका कारण पूछा, तब उन्होंने कहा, बेटा इसमें लिखा है आपका बेटा जीनियस है, पर हमारा स्कूल लो लेवल का है, इसमें टीचर्स भी इतने ट्रेंड नहीं है, तो इसे आप घर पे ही पढ़ाएं। तो बचपन में कहे गए कुछ प्रोत्साहन के शब्दों ने उनका पूरा जीवन बदल दिया और उस मंदबुद्धि बच्चे को इस संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। मंदबुद्धि यानी पागल। मैं कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सभी को लोग पागल ही कहते थे, पर उन पागलों ने दुनिया बदली है। उन पागलों ने हमारे संसार को वो दे दिया जो हम समझदार व्यक्ति से कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बार जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके हाथ से रसायन गिरने के कारण ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। तो वहां के टीटी ने उनको थप्पड़ मारा, तो उस थप्पड़ की वजह से उनकी श्रवण शक्ति कम हो गई, लेकिन इससे भी वो कभी नकारात्मक सोच उनके जीवन में नहीं आई, इससे वो निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सोचा, अच्छा है, अब मुझे दूसरों की बकवास सुनने को नहीं मिलेगी, दूसरों की बेकार की बातें नहीं सुनेंगी और मैं अपने कार्य पर ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। ये और कुछ नहीं, ये थी उनकी सकारात्मक सोच। दोस्तों, बैटरी, मीटर, बल्ब, ये जो हम आज घर में यूज करते हैं, ये सभी उन्हीं की देन है। आप कल्पना करो यार कि उनको बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी सालों का अथक प्रयास होगा।
चुके थे और जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार नाकाम होने के बाद हिम्मत नहीं आ रहे आप, उन्होंने कहा मैं नाकाम हुआ ही नहीं, मैंने तो 10,000 ऐसी राह खोज निकाली जो मेरे किसी काम नहीं आई। तो ये भी उनकी केवल सकारात्मक सोच थी। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उनके जीवन को प्रेरणा रूप में लेकर उनकी सकारात्मक सोच को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमारे जो दिमाग में नकारात्मक सोच रूपी फैली हुई गंदगी है उसे निकालकर अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर मैं स्कूल्स डीएनए का आभार व्यक्त करती हुई अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू।